साहब, किडनी की समस्याएं बहुत देखी जाती है, लेकिन जो लोग स्वस्थ है फिलहाल, आगे चल के ऐसी समस्या ना हो, क्या किडनी डिटॉक्स को लेकर भी घर में कोई घरेलू उपचार है? बिल्कुल, किडनी सबसे मुख्यतः तीन कारणों से ज्यादा प्रभावित होता है। एक तो आपका बीपी है, एक तो आपका शुगर है, आप बहुत अत्यधिक दवाओं का सेवन के कारण जो है किडनी का प्रॉब्लम। तो आप बीपी शुगर कंट्रोल रखें और अत्यधिक एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज करने से परहेज करें, पेन किलर का यूज करने से परहेज करें। और डिटॉक्स करने का सबसे बढ़िया उपचार है कि आप पानी जो है 2 घंटे या 1.5 घंटे में 1 ग्लास पानी पिए, बहुत अधिक एक साथ पानी भी नहीं पीना, जिससे आपके किडनी को ज़्यादा काम करने का मतलब जरूरत पड़ेगा। और तीसरा है कि आप दही है, चना है, उड़द है, राजमा है, मटर है, इन सब चीज़ों को किडनी के रोगी को परहेज करना चाहिए खाने से। यूरिक एसिड मुख्य समस्या है, यूरिक एसिड को सबसे पहले ठीक रखना है। तो दही, खट्टा चीज़ नहीं खाना, फिजिकली एक्टिव रहना है, तो वॉकिंग करना है। किडनी का जो क्रिएटिनिन की समस्या होती है, तो इसके बाद से क्रिएटिनिन की समस्या होती है, जो स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है जो फिल्टर नहीं कर पाता किडनी, तब जाकर लगता है किडनी मेरा अब बीमार हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप शुरू से ही अपने बीपी शुगर को कंट्रोल करें, धनिया का पानी का यूज करें, सौंफ का पानी का यूज करें, अनानास खाएं, फल फ्रूट केला है, पपीता है, ये सब चीज़ का सेवन से किडनी आपका ठीक रहता है। किडनी सबसे अधिक प्रभावित होता है आपके तनाव से, और तनाव से हर संभव कोशिश करें बचें।